आज जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज फेसबुक लाइव किए, उन्होंने तमाम मामलों पर बातचीत की, साथ ही साथ सरकार की नाकामियों को गिनाया, वहीं इसको लेकर अब वह फिर से सरकार के जो पक्ष के नेता हैं उनके निशाने पर आ गए हैं। दानिश रिजवान जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव को घेरा है। पहले आप सुनिए तेजस्वी यादव को लेकर दानिश रिजवान क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आज जो फेसबुक के माध्यम से जनसंवाद स्थापित हुआ था, तो हमें उम्मीद थी कि जनता भी अपनी राय कुछ रखेगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से आज इस्तीफा मांग रहे थे और इस्तीफा मांगकर कह रहे थे कि सत्ता हमको सौंप दीजिए, हम बिहार चला के बताएंगे। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 15 साल बिहार की जनता ने आपके माता पिता को सरकार सौंपी थी, बिहार की क्या स्थिति की ये पूरी दुनिया जानती है। हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये मत कहिए कि हमें सरकार सौंप दीजिए, जनता के बीच में जाइए, काम कीजिए, अगर काम लोगों को पसंद आएगा वो आपको चुन लेगी। फेसबुक के माध्यम से आकर के चींचा टींटा कर रहे हैं, इससे वोट वोट नहीं मिलता है। अगर फेसबुक और वो ट्विटर के माध्यम से समाधि स्थापित करना था तो जनता को बताते कि वैक्सीन लीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, लॉकडाउन को किस तरीके से सफल बनाना है उस ओर काम करिए, लेकिन आपको तो भाई कुर्सी की लालच है और कुर्सी की लालच के लिए आप सब कुछ करने को तैयार बैठे हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव के फेसबुक लाइव में आकर जनसंवाद जो उन्होंने किया है, तो इसको लेकर उन्होंने जोरदार प्रहार किया है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ने तमाम मुद्दों पर बातचीत नहीं की, बल्कि सीधे तौर पर आकर सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, हम बताते हैं काम कैसे होता है। उन्होंने एक बार फिर से 15 साल के शासनकाल को याद करा दिया है, जब लालू और राबड़ी की सरकार बिहार में थी, तो उस शासनकाल को याद करा के उन्होंने बताया कि उस वक्त क्या कुछ बिहार में हो रहा था, ये आपको पता ही है। तो ऐसे में आप नेता प्रतिपक्ष है तो पहले नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सही से निभाइए। दानिश रिजवान लगातार तमाम मामलों को लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं को घेरते रहते हैं और ऐसे में जब आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसंवाद किया था, फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात रखी थी, तो इसको लेकर भी उन्होंने जोरदार प्रहार किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर राजद नेता की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे तमाम अपडेट्स हेडलाइंस पे आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।